विधायक पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब जब इन लोगों से मुलाकात होगी फिर उसके बाद दीपक प्रकाश जी मीडिया से बातचीत करेंगे और क्या कुछ बातें रखें। प्रदीप जी, क्या लगता है सहायक पुलिस कर्मियों की मांग कितनी जायज है? देखिए, सरकार को सहानुभूतिपूर्वक उनकी बातों को सुनने की आवश्यकता है और सरकार हठधर्मिता न करे। इतने विपरीत परिस्थितियों में भी बारिश के मौसम में इन लोगों ने अपने आंदोलन को जारी रखा, तो सरकार को प्रतिनिधि भेजकर बातचीत करनी चाहिए और इनकी जो मांग है कि मुख्यमंत्री जी सुने और इनकी सेवा शर्त में जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाकों में ये सभी काम कर रहे हैं, ऐसे में इनको ये भी डर है कि अगर इनकी नौकरी जाती है तो नक्सली भी इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने सेवा काल के दौरान निश्चित रूप से पुलिस विभाग की जो कार्रवाई होती है नक्सलियों के खिलाफ, उन सारे अभियान में ये लोग शामिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट पर होते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों के जीवन की भी रक्षा हो, जीविका की भी रक्षा हो। मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर गांधी जयंती के दिन पहुँचना था, लेकिन एक दीवार खड़ी की गई थी जो इन लोगों का मतलब विरोध का सामना न करना पड़े। ऐसे में क्या लगता है, एक सरकार को सामने आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं? निश्चित रूप से देखिए, जब हम जनतंत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो हम आंदोलन से होकर हम कदम वापस नहीं खींच सकते। बातचीत करनी चाहिए, आपके जिम्मेदारी में और आपके अधिकार क्षेत्र में जितना बनता हो इनके लिए करना चाहिए, लेकिन सीधा सीधे अगर आप विड्रॉ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इनको भी निराशा होती है। तो आइए चलते हैं, दीपक प्रकाश जी अब यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे रखी जाती है सहायक पुलिस कर्मियों के द्वारा? क्या हाल है? बढ़िया हो गया, भैया क्या आईडी प्यार वाला में आया था। अच्छा, उसी की कंपनी है इसका। चल सर्वे से सारे आरटीआई मांग रहे हैं पुलिस मुख्यालय से, ये जो हमारा सीधी नियुक्ति को जो मांग कर रहे हैं, तो आखिर किस टाइप से उनसे मांग कर रहे हैं? तो उसको भेज दिए थे व्हाट्सएप डीसी को भी, बहाली कैसे हुई? ठीक है, वही सरकार ने क्या कहा पहले वो बता दीजिए, फिर ये आया था वही चीज, सारा चीज इसमें सर है। जैसे सर 12 अति नक्सल प्रभावित, ठीक है ना, बोला कि हम पुलिस का लोच कर, ठीक है आपके 2500 स्ट्रेंथ है जी सर। अरे हड़काने दीजिए, 12 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर, वैसा प्रखंड जो एकदम अति नक्सल प्रभावित है वहाँ से हमारा नियुक्ति 2017 में जब आप लोगों का गवर्नमेंट था तब हम लोगों का नियुक्ति किया गया था, जिसमें कि उसका जब नियमावली बना था तो नियमावली के टाइम ये लिखा हुआ था कि आपका मानदेय 10,000 रुपया है, 5 साल तक का मतलब टोटल जॉब का, 2 साल अनुबंध पे और 1-1 साल एक्सटेंशन होगा जो कि आपके एसपी रिकमेंड करेंगे डीआईजी को, और डीआईजी आपका जो 1 साल का एक्सटेंड करेंगे जॉब का विस्तार होगा। तो अभी सर हम 5वें साल पे आ चुके हैं, उसके बावजूद भी सर नियमावली में ये लिखा हुआ था कि आप जिस थाना से प्रतिनियुक्ति किया जा रहा है वहीं पर आप मतलब आपका ड्यूटी वहीं पर रहेगा, लेकिन अभी के टाइम में उसके बाद सर जैसे ही बहाली हुआ तो अपने जिला से दूसरे जिला में या एकदम अति नक्सल प्रभावित सर, जैसे सर आप जान ही रहे हैं कि बूढ़ा पहाड़ भंडरिया जैसा जगह और इधर मतलब कोई ऐसा जगह नहीं, चाईबासा जिला में जहां तक रोड नहीं है, जहां के लड़के एकदम पुलिस आज़ादी के बाद नहीं गई वहां से आए हुए
नक्सली में ज्वाइन किए हुए लड़के मुख्य धारा से जुड़े हुए थे सर? उसमें देखिए, हमको जो कैबिनेट में याद है उस पर चर्चा हुई थी, और उसमें सोच यही थी कि जो लड़के एकदम बिल्कुल रिमोट क्षेत्र में रहते हैं, नक्सली क्षेत्र में रहते हैं, तो भाई उग्रवादी का बंदूक ढोते हैं जी सर, उसके बदला उनको पैसा मिलता है जी, मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं, तो क्यों नहीं वैसे नौजवान जो बिल्कुल वैसे क्षेत्र में रहते हैं तो उनको सहायक पुलिस में बहाल कर लिया जाए, ताकि नक्सली उग्रवादी से भी मुक्ति मिले, और दूसरा बात है कि ये काम भी करे पुलिस का, ठीक है ना जी सर, उद्देश्य यही था जी सर, और आज भी उद्देश्य यही है। तो सर हमारा जब नियुक्ति हुआ तो हम लोग का जो अधिसूचना था सर, जो हर पुलिस का होता है, वो हम लोग का भी था, दौड़, मेडिकल, रिटेन, जो मेरिट लिस्ट निकला उस हिसाब से भी हम लोग पूरा बहाल किए गए, ये हमारा सेवा सर था सर। दूसरा दीजिए ना, कितनी जल्दी नॉर्म्स के हिसाब से इन लोगों की बहाली फिजिकल जहाँ तक है सर कि 50,000 रुपए का मेडिक्लेम भी किया जाएगा और 2,00,000 रुपया आपको दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाएगा सर। जो ये तस्वीर है सर, ये ड्यूटी के दौरान हमारा लड़का शहीद हुआ सर, लेकिन तीनों सर, एक तो डिप्टी कमांडेंट सर, वो ड्यूटी, वो तो बोलिए सर ऐसे, मतलब अभी हम लोग आंदोलन जब है तो वो भी तो उसी में हुआ, लेकिन उसमें सर एक पैसा सरकार के तरफ से एक भी पैसा अभी तक मुआवजे के रूप में या किसी तरीका का उनको कोई हेल्प नहीं किया गया। ये 2500 जो सहायक पुलिस दिख रहा है, जो हमारा संघ है, जो हम 10,000 रुपये कमाते हैं सर, उससे आंदोलन भी कर रहे हैं, और जो लड़का का दुर्घटना होता है या उसका डेथ हो जाता है, शहीद भी हो जाते हैं, किसी तरीका का कुछ होता है तो सर हम अपने फंड से ही सारा कार्यक्रम करवा रहे हैं सर। लेकिन चंदा करके जो एक उसमें परितोष हेमरम लड़का है सर, दुमका का लड़का है, अभी 3 महीना पहले ही उसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ सर ड्यूटी के दौरान, उसके कोविड का ड्यूटी उस टाइम चल रहा था, लेकिन हम लोग बसंत सोरेन से बात किए, पीए साहब जो है सीएम साहब के, उनसे बात किए, कितना ट्वीट किए, लेकिन एक पैसा भी उसको मुआवजा के रूप में नहीं दिया गया सर, जबकि हमारा लिखा हुआ है। आगे है सर अनुभव, यहाँ पे जो लिखा हुआ सर कि आपको 2% प्रतिवर्ष 5 साल का सेवा सर, जो हमारा लिखा हुआ है वेटेज के रूप में, हमको जो अंक पे है 2% का वेटेज दिया जाएगा। तो सर हम लोग ये चीज सरकार से अभी पूछ रहे हैं कि जब हमारा उम्र ही नहीं रहेगा, वैकेंसी फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो ये वेटेज किस काम का रहेगा, जब हमारा किसी भी तरीका का हम 18 से 25 जो भी जनरल कास्ट हो, 28 साल OBC, जितना भी मतलब कास्ट वाइज का होता है सर, सब लड़के अभी ओवर एज होते जा रहे हैं, इसी में किसी का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है कोई चोर को पकड़ने में, तो मेडिकल अनफिट भी हो जा रहे हैं सर, तो उनके लिए आखिर सरकार क्या कर रही है? तो ये लड़ाई हमारा सिर्फ इसीलिए है, आप लोग का मूल रूप से है कि जो सेवा शर्तें थी उसको अनुपालन किया जाए, एक जी सर है कि आपकी नियुक्ति सीधे समायोजित कैसे किया जाए सर, ये जब आपकी गवर्नमेंट थी तो ये कुछ पॉइंट लिखा गया था कि तदनुसार झारखंड पुलिस सवर के आरक्षी के पदों पर सीधी नियुक्ति नियमावली अधिसूचना 69/92 दिनांक 20/10/2014 में कालांतर में की जाएगी। ये कालांतर है सर, कहाँ से आता है यहाँ देखा जाए सर, आगे जो है झारखंड पुलिस का जो होता है सर, कैसे लगा यहाँ देखिए सर, ये आज आता है झारखंड पुलिस का नियुक्ति, जो झारखंड पुलिस जिला पुलिस का बहाली की कराया जाता है, जो राज्यपाल के हिसाब से जो संविधान अनुच्छेद 309 के तहत जो बना, तो यही 69/92 जो हमारा दर्शाया गया है कालांतर करने का और दिनांक 20/10, इसी में हमको संशोधित किया गया, हमको मतलब छूट देने का बात कहा गया, और लास्ट में यहाँ जो है अनुभव का जहाँ छूट आरक्षण दिया जाता है, 4 कॉलम इसमें बना हुआ है सर आरक्षण का, जहाँ तक कि अनुकंपा पे दिया जाता है, खेल खिलाड़ी को दिया जाता है, और गिरिरक्षक को दिया जाता है, तो बस यहीं पे हमारा एक पॉइंट जोड़ दे कि सहायक पुलिस जो 3 साल का सेवा पूर्ण कर लिए हैं
अभी चौथा साल भी खत्म हो गया, पांचवा में घुस गए, बस इनको जिला बल में समायोजित कर दिया गया, जो कि यहाँ पे हमको पहले ही दर्शाया जा चुका है सर, बस लड़ाई इसी बात का है। इसलिए सर जो विधानसभा में जब स्पीकर महोदय पढ़ रहे थे सर, तो ये सेवा शर्त वाला पॉइंट हम लोगों का छूट गया था। बस आप लोग भी बोले थे सर, सुदेश महतो सर से भी मिले थे, उनसे भी बात बोले, तो वो खुद से बोले, पढ़वे नहीं किए सर, खुद से नहीं पढ़े। सुदेश महतो सर से भी हम लोग भी मिलने गए थे, तो वो भी बोले कि पिछले बार जी आपका दो लाइन तो छोड़ दिया गया था, बोले जी सर आप पकड़ लिए। तो बस यही चीज का हमारा फाइट है सर, बस अब आप लोग बताइए कि हम लोग कहाँ गए। 20-20 लाख रुपया सर वर्दी भत्ता के रूप में सारा जिला के पास आया था, उसका लेटर भी हमारे पास है, वो पैसा हमारा कहाँ गया कुछ पता नहीं है, वापस चला गया कि क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये वर्दी 10,000 में पहनते हैं, खाते भी हैं, और अपना जी घर है 100 किलोमीटर दूर, तो इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, अभी हमारा घर पड़ता है सर, खुद का बता रहे हैं कि हमारा घर सर का घर से बगल में है, मतलब खरौंदी थाना में मेरा घर पड़ता है, और वहाँ से 140 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ बॉर्डर रमकंडा, ये लड़का हमारे घर के बगल का। ऐसा हर जिला का है सर, जो स्थिति वही है, एक्टिविटी रहता है उसको जानबूझ के टारगेट करके भेज दिया जाता है। पिछले बार सर आप लोग के आंदोलन करने आए थे, आपकी मदद से हम लोगों का परिवार को मतलब टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन आप लोग शायद एसपी साहब को फोन किए, कहाँ हुआ, हम लोग कॉन्टेक्ट किए, तब उनको थोड़ा किया गया सर। चलिए देखिए सर, ड्यूटी का जो हमारा निकला था, इसका देखिए कि ड्यूटी आपका कहाँ लेना है, और जो लड़का है खूंटी का लड़का, रांची में है, चाईबासा का लड़का, जमशेदपुर में है, लातेहार का लड़का, इंगित कर दिए हैं, चतरा का लड़का, हजारीबाग में है सर ड्यूटी का। इसका मूल उद्देश्य भटक गया तो सर। पहला प्रश्न है सर, 10 महीने मेरा जॉब बचा, उसके बाद हम कहाँ जाएं, क्योंकि डीआईजी साहब का जो इस बार अनुशंसा किया गया है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि यह आपका आखिरी मतलब सेवा शर्त का आखिरी वर्ष, जिसका मानदेय आपको मात्र 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब बाद हम कहाँ जाएंगे सर, उम्र मेरा समाप्त, तो हम आंदोलन नहीं करें तो फिर हमारे पास और, हम सब लोग आए हैं, एक बार परिचय करा देते हैं आप सब। जी सर, हमारे दाहिने ओर बैठे हुए चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बाईं ओर बैठे हुए हमारे नवीन जायसवाल जी, विधायक हटिया हटिया जी, हमारे बगल में बैठे हुए हैं कांके के विधायक सबली लाल जी, आदित्य साहू जी प्रदेश के महामंत्री जी हैं, बालमुकुंद जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रदीप वर्मा जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, राम कुमार पाहन जी हमारे पूर्व विधायक हैं, और आरती कुजूर महिला मोर्चा की अध्यक्षा है हमारी, वो महिला मोर्चा की हमारी महामंत्री है, ये हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, भानु जी से सब परिचित होंगे, भानु जी हमारे जुझारू विधायक हैं और आप सब लोगों के हमदर्द हैं, और उधर जी जलेंद्र जी हैं, अजय तिवारी जी हैं, ऐसे पूरे पार्टी के सभी लोग आज आए हैं, और आए इसलिए हैं कि आपके इस आंदोलन से हम सब लोगों को हमदर्दी है, आपके इस आंदोलन से हम लोगों को हमदर्दी है, और हमदर्दी इसलिए है कि हम सब लोगों ने 2017 में आप सब लोगों को नियुक्ति हमारी सरकार ने किया था, और हमारी सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियुक्ति की थी, और नियुक्ति के लिए कई कारण थे, वो मूल कारण था कि यहाँ का नौजवान को रोजगार भी मिले और देश की सेवा भी करे, दोनों कारण थे। तो झारखंड की सेवा आप लगातार कर रहे हैं, आपको जो सेवा शर्तें थी उस शर्तों का अनुपालन राज्य की सरकार को करना होगा, करना चाहिए। दूसरा, वेतन की वृद्धि होनी चाहिए तत्काल। तीसरा, हमको जो लगता है कि सरकार को बिना देर किए हुए समायोजित करने की का निर्णय लेना चाहिए, समायोजित करने का निर्णय अविलंब ले सरकार। बड़ी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो झारखंड में अब हम इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हम लोगों के बीच में इनका संदेश हमेशा रहेगा, क्योंकि ये आपकी लड़ाई में, हमारी लड़ाई में, सबकी लड़ाई में, और शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक लड़ाई में आगे रह करके अपनी बलिदान दिया। पुष्पा कुल्लू जो हमारी देहांत की हमारी बहन, उसके प्रति या उनके परिवार के प्रति भी हम सब लोगों को हमदर्दी है, उनके गांव में हम
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, उनके परिवार से भी मिले थे। और उनके परिवार में भी हम लोग जाकर के अपनी हमदर्दी दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आपके आंदोलन के साथ खड़ी है और आपके प्रति हमदर्दी ही नहीं है बल्कि आपके हर मांग का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और आपके लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, सभी पार्टी का एक एक लोग आपके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा। और सबसे सौभाग्य की बात है, अच्छी बात क्या है कि आपकी लड़ाई अहिंसात्मक है, अनुशासित है, और तीसरा क्या है कि वाजिब मांगों के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आपके साथ है, और इस बात का आपको एहसास होगा कि हमारे सारे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता आज आपके साथ उपस्थित हैं। हम आगे इस विषयों पर गंभीरता से पार्टी के अंदर भी और आपकी आवाज़ को और मुखर करने के लिए, आपकी आवाज़ में हम और कैसे ताकत दें इसका भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। जी सर, चाहे हमको पार्लियामेंट में सवाल हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे सरकार को दबाव बनाने में जो हमारी भूमिका हो सकती है, उसके लिए पूरी तरह से हम सब लोग आपके साथ हैं। नहीं कहना था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठना और बहुत अच्छा लगा। और 2 तारीख की जो घटना, जी सर, गांधी जी की जयंती, जिस तरह से आप लोगों को पिंजड़े में कैद कर रखने का जो काम किया सरकार, उस दिन गांधी जी का जन्म था, जयंती था, हम लोग भी आए थे, चंद्रेश्वर जी भी आए थे, जिस तरह से आप लोगों को बंद कर रखा गया, इसकी भी भर्त्सना हम भर्त्सना करते हैं। सरकार ना ही मेरा 5 साल से अनुबंध बढ़ाती है और ना ही मानदेय बढ़ाती है, तो हमको क्या करना चाहिए? आंदोलन को स्थगित करना कर देना चाहिए या वर्दी उतार के चल जाना चाहिए? देखिए, पलायनवादी नहीं बनना चाहिए। तो अगर देश में गांधी जी जो बगल में प्रतिमा है, गांधी जी भी पलायनवादी हो जाते तो देश आजाद होता क्या? नहीं होता। नहीं होता। आप तो देश की सेवा करने निकले हो यार, झारखंड की सेवा करने के लिए निकले हो और झारखंड के माटी के लाल हो। जितने लोगों से मिल करके आए हैं उसमें मेरा कहना है यार, पलायनवादी कौन करता है? लेकिन लड़ाई हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अहिंसा से लड़िएगा तब जीत होगी। जी सर, इसलिए अनुशासित होकर के, अनुशासन के साथ खड़ा होते हुए पूरी तरह से लड़िएगा और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर लड़िएगा, सत्याग्रह करिएगा, कोई आपको आंदोलन को कुचल नहीं सकता है। जैसे हमारे पास तो सीमित संसाधन है सर, और पेट की जावला के लिए तो, पेट भरने के लिए तो पैसा चाहिए, तो मेरे पास तो सीमित संसाधन है, हम कितना दिन लड़ सकते हैं हिंसा की तरह से? 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना यहाँ तक सी सर, उसके बाद हम क्या करें? बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं सर अभी, जैसे लेडीज लोग हैं सर, हमारे महिला प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनसे भी अवगत कराना चाहेंगे कि आप खुद से लेडीज लोगों के पास जाके उनकी दुख पीड़ा को समझिए कि यहाँ वॉशरूम तक का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी। जैसे हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर लोग एकत्र हो रहे हैं, तो हमने मेयर को तुरंत रात को फोन किया। इसमें मिला था और चाहता है और तुरंत मेयर को आपको बिना बोले भी हमने फोन किया था हमको, फिर भी अगर और क्या हो सकता है? एक बार महिला लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है सर, ड्रेस चेंज करना, जैसे वॉशरूम जाना, बारिश, कल तो बारिश ऐसा आया था, तूफान आया था, मेरा पूरा टेंट और ऊपर जो स्टेज पे लेडीज लोग, कितना वॉशरूम है यहाँ पर अभी तक? सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक उस तरफ है, लेकिन यहाँ भी है, तो मैं अभी देख करके आ रहा हूँ, ऊपर तक पूरा फूल है, पचपच कर रहा है, सिर्फ एक ही है। और जैसे पार्क, पिछला बार पार्क तो लेडीज लोगों के लिए पूरा खुल गया था, इस बार भी बातचीत की है हम लोग, तो वो लोग भी नहीं है, मतलब अलाउ नहीं कर रहे। पीछे वाला ना? हाँ सर, पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे चिल्ड्रेन, हाँ भाई, उसमें हम लोग बनवाए तो पता है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? वो बोलते हैं कि हमारा टेंडर हुआ है, हम ऐसे एंट्री आपको नहीं करने। और नहीं नहीं, दो दो है, एक इस साइड भी है चिल्ड्रेन पार्क जिसको बोल रहे हैं, और एक पीछे साइड में। नहीं, ऑक्सीजन पार्क का बात नहीं कर रहे? ऑक्सीजन पार्क वाला वहाँ तो जाते, तो वही शौचालय में जो फी लगता है, शुल्क लगता है,
सुलभ वही ना जो सुलभ शौचालय वाला है वही चले एक बार बात करते हैं तो कल आके बात करते हैं सुलभ शौचालय नगर विकास के मंत्री रह चुके हैं दिन तक है आंदोलन चल रहा होता है फ्री करो जी ठीक है उसका हम करवाते हैं यहाँ संसाधन का हमारे पास दिक्कत है ना सर डेली मान लीजिए बात हो गई आपकी घर में जी सर कल मैं आ जाऊंगा है ना कल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का बैठे बैठे क्या बोल तो दिए फिर इसमें कल हम लोग सभी सहायक पुलिस का जवान जो है यहाँ ब्लड डोनेट का कार्यक्रम हम लोग रक्तदान कर रहे हैं 500 यूनिट का हमारा टारगेट है सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे वर्तमान सरकार कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह की खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। देखिए झारखंड सहायक पुलिस के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसका हम भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं और समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये झारखंड की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहें और उग्रवाद से मुकाबला करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछली सरकार ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया था कि रोजगार के सृजन में और उग्रवाद के नियंत्रण में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की नियुक्ति की थी। वो पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार बीजेपी की सरकार कमल फूल वाली सरकार वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस की सरकार आरजेडी की सरकार इस राज्य में रोजगार देने में असफल रही है और जो लोग रोजगार कर रहे हैं संविदा में है उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ऐसे नौजवान हमारी बहनें हमारे नौजवान साथी जो सहायक पुलिस में भर्ती हुए थे उनके साथ पूरी तरह से अन्याय करने की काम कर रही है और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है संवेदनहीनता का अभाव है ये क्रूरता का परिचय है और सच में कहा जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत काम करने वाली सरकार है और इस सरकार में थोड़ा भी सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी अगर संवेदनशीलता होगा तो वार्तालाप करके इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमारी बहनें जिस प्रकार से रात में रहती हैं जिस प्रकार से उनको शौचालय की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है नौजवान जो हमारे पुलिस सहायक है वे आज बरसात में जाड़े में और गर्मी में धूप में भी तपस में भी एक तरह से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और कल का दिन ये रक्तदान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके अनुशासित रह करके अपनी मांगों के अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन राज्य की सरकार बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसी सरकार जो अंग्रेज के दिनों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रहती थी उसका परिचय दे रही है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इनके साथ संवाद करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें नहीं तो पूरा प्रदेश आज इनके साथ और इनके समर्थन में खड़ी है। क्या लगता है दोनों सरकार पूर्ववर्ती सरकार उसने भी बेवकूफ बनाए और जो वर्तमान सरकार है वो भी बेवकूफ बना रही है। एक चीज और है रमेश और आप बोला है कि रघुवर दास का पाप है दूसरी चीज उन्होंने अच्छा, बोला कि पूर्ववर्ती सरकार एक मिनट पूर्ववर्ती सरकार ने नौकरी दे करके गलत किया और इस सरकार आज इनको बाहर का रास्ता दिखा करके अच्छा काम कर रही है। सहायक पुलिस क्या होता है अरे सेवा शर्तें सामने रखी हुई है
सेवा शर्तों के आधार पर इनको काम करना चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है, जो इनकी सेवा शर्तें हैं उस पर क्यों नहीं पालन करने का काम कर रहे हैं। तो पहले कि जब पुलिस ऑलरेडी है, काम उतना ही हो रहा है, तो कम वेतन में 10,000 की वेतन में सहायक पुलिस बहाल करने का क्या उद्देश्य ये थे कि स्थानीय लोगों को, माटी के लाल को, जो झारखंड की सुगंध है, उन सुगंध से निकले हुए नौजवान और को नौकरी देकर रोजगार का सृजन किया जाए और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो और बाद के दिनों में उनकी नियुक्ति परमानेंट हो, इसकी सेवा शर्तें भी थी। उन सेवा शर्तों को मानने के लिए सरकार बाध्य क्यों नहीं है? क्या झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के नाम पर ठगने का काम कर रही है सरकार? जो आदिवासी है, मूलवासी है, जो आज यहाँ पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ धोखा देने के काम ये सरकार भी कर रही है? केवल वोट लेने के लिए आदिवासी और मूलवासी की बात होती, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? सर, तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, अभी मिले, मांगों को सुना, विपक्ष किस तरीके से इनका साथ देगी, कैसे इनकी? विपक्ष इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर के इनके लिए खड़ी है। पिछले बार भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, हमसे जो बन पाया हमारे कार्यकर्ताओं पर से जो बन पाया, हमारे विधायक, हमारे सांसद,